नमस्कार दोस्तों, बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 के आंसर की के पार्ट थ्री में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड शिफ्ट का आंसर की जो है मैं आपको दे रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं उसका उत्तर मैं जो है आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर होगा कार्बोनिल डियामाइड इसो यूरिया, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। यहाँ टॉमसन होना चाहिए, ईंट पर नाच जो आप फॉर्मूला जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? इसमें दोस्तों बिहार उत्तर दिया गया है, लेकिन ये बिहार गलत है। राजस्थान जो होगा वो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जो है राज्य है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में एक प्रसिद्ध खिलाड़ी की मृत्यु हो गई थी, वह किस खेल से जुड़े थे? तो फुटबॉलर थे, आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, अल्फा बीटा तथा एक्स किरण में सबसे कम किरण किस में होती है? तो दोस्तों ये प्रश्न ही समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इसका उत्तर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि टारगेट विद नीतीश का ये लक्ष्य है कि कोई भी प्रश्न का उत्तर जो है अपने समझ से गलत न दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 36 है, संध्या के समय सूर्य के किरण को लाल का दिखाई देना कौन सा मतलब प्रकाश की क्रिया के कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है संध्या के समय सूर्य का किरण लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल कितना के तहत राष्ट्रपति करता है? तो आर्टिकल 352 के तहत करता है। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आंसर की के आधार पे जो है तैयार किया गया है, तो हो सकता है कि ये प्रश्न नहीं आया हो। क्वेश्चन नंबर 38 है, आईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसी का फुल फॉर्म जो होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो दोस्तों ये रहा पार्ट थ्री, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।